हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे पालक और प्याज का पराठा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पालक का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक कटी हुई प्याज और पालक, और आटा जैसा हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसा ही हमें लगाना है पराठों के लिए। पराठा बनाने के लिए हमने दो तो हमने पहले ही लगा लिया था, उसकी एक बॉल बना के हमें इस तरीके से बेल लेना है। तो इस तरीके से आपको दो मीडियम साइज की रोटी को बेल लेना है। एक हमने ऑलरेडी बेल के रख लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, और जो पालक हमने बारीक काट लिया था धो के हमें वो लगानी है। थोड़ा सा हम इस पे अनियन लगाएंगे, बहुत ही डिलीशियस बनता है ये खाने में। मसालों में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से रोटी के ऊपर। दूसरी बेली हुई रोटी को हम लेंगे हाथ में और उस पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब इसे हम इस तरीके से अपनी रोटी पर फैला देंगे और इसके किनारों को हम हाथों से अच्छे से कवर कर लेंगे इस तरीके से। अब तवा गर्म करके रोटी को हम सेकेंगे। थोड़ा सा घी या बटर आप यूज कर सकते हैं और इसे दोनों साइड से आप अच्छे से सिकने दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एक साइड से अच्छे से सिक गया है। ऊपर से इसमें बटर लगा लीजिए या घी, आप जो भी लगाना चाहें। ये पराठा एकदम सिक के रेडी हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।